ब्लैक स्कॉर्पियो, वाइट स्कॉर्पियो लेके प्रभु जी का नाम चलते हैं किरमारा धाम। और भाई साहब बारिश हो चुके स्टार्ट, देख सकते हैं कैसा फील हो रहा है भाई बारिश में। बारिश में भैया आपको जैसा फील हो रहा है सही? अच्छा अच्छा, मतलब बढ़िया हो रहा है फील आपको? छोरो बढ़िया बुआ। हर हर महादेव। इसमें आधा किलो और इसमें? इसमें किलो किलो। इसमें एक किलो और उसके अंदर गुलाब जामुन? ठीक है भैया, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो भाई साहब सभी, कैसी लगी आपको हमारी नई नवेली स्कॉर्पियो क्लासिक S11? बताना गाइस कमेंट बॉक्स में। और देख सकते हैं, एक मिनट रुको, नीचे दिखाता हूँ आपको। स्वेटिंग चेक करिए गाइस, स्वेटिंग। आप सोचो हाँ भाई गाड़ी साफ की है, उस चीज़ की स्वेटिंग है? नहीं भाई साहब, 7 बजे का टाइम है और 3 घंटे हो चुके हैं उठे हुए, लगातार सपाटे और वो चल रहे हैं। और देखते हैं अभी अपनी गाड़ी, कल गए थे यहाँ पर तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, उसका कपड़ा वगैरह मारा। एक मिनट रुको आपको दिखाते हैं, इसका मान लो कपड़ा वगैरह मारा। ब्लैक कलर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, ये देखिए चेक करिए। एक मिनट रुको आपको एक चीज़ और चेक करवाता हूँ। ब्लैक स्कॉर्पियो, वाइट स्कॉर्पियो एंड एल्टोकेट है ना, अवर ओल्ड एल्टोकेट है, ये चेक करिए गाइस क्या है भाई सर। और अभी भाई मैं बताता हूँ आज का अपना क्या प्लान है। आज मान लो सबसे पहले तो गाइज अभी सुबह हो चुकी है, सुबह होते एक बार तो हम पर चलते हैं गाइज शिव जी भगवान के चरणों में किरमारा चलते हैं। एक बार तो हम पर किरमारा जाएंगे फिर, और आगे आज है अपने मान लो मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन डे, आज करेंगे मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं। एक बार तो हम पर चलते हैं गाइज सुबह सुबह। अभी इसको मान लो मैंने इसके कपड़ा वगैरह मार के बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया, इसको खड़ी कर दिया। और आज मेरे इसके वैक्यूम मारने की सलाह थी यार, फिर ऐसे वो अपने भाई आके सीधे मैट मूट साफ कर गया, वैक्यूम तो नहीं मारा गाइज वैक्यूम। एक बार थोड़े से लेट हो रहे हैं, सुबह सुबह आरती उधर ही चलेंगे, सुबह सुबह आरती होती है वो शायद होगी होगी गाइज यार। और देखते हैं, चलो एक बार तो देख सकते हैं अपने कपड़े कपड़े मार के बिल्कुल ओके चमका दे। एक बार तो चलते हैं गाइस यहाँ पर किरमारा, और आगे जो भी सीन्स रहेंगे वो आपको हम बता देंगे। फाइनली गाइस रेडी हो चुके हैं किरमारा जाने के लिए। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया, सुबह मान लो पहले आपने देखी क्लिप्स की, उसमें आप अपने गाड़ी कपड़ा मराया तो वो भी ना गाइस पापा जी ड्यूटी जा रहे थे, पापा जी बोले बेटा ला मैं धो देता हूँ, फिर मैंने कर रहे हैं 2 बजे, बोले बेटा कोई दिक्कत नहीं है की बात है, बोले थोड़ी नहीं निकल जाएगी, पर मैं दिखाता हूँ वॉशिंग चल रही है अपने स्कॉर्पियो की। ओ बुआ वाला अंदर बैठा है। हाँ वही तो बढ़िया भैया, ठीक है एकदम। कैसा लगा स्कॉर्पियो में बैठ गया? स्कॉर्पियो में वही बात, जैसी गाड़ी वैसा ही फीलिंग। वॉशिंग चल रही है जिमी? नहीं बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ जिमी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। नहीं नहीं जिमी बैठ जाओ। नहीं गाइस वॉशिंग चल रही है। लेके प्रभु जी का नाम चलते हैं किरमारा धाम। अपनी नई नवेली स्कॉर्पियो चेक कर लीजिए यार एक बार आप। बस गाइज चलते हैं, बहुत प्यारी गाड़ी है गाइज, बहुत प्यारी। फाइनली गाइज अपने चिंदड़ वाली गौशाला पहुंच चुके हैं। यहाँ अपने मान लो गुड़ चराने के लिए आए हैं इन भाई जी गायों को, ये अपने इधर बुआ जी वाले लड़के बैठे हैं। ठीक हो दादी? दादी एक मिनट रुको गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने गाय। आप इस एरिया में आए तो एक बार जरूर इस मानो ज्यादा नहीं तो गाइज 1 किलो गुड़ भी इन अपाहिज गायों को चरा जाओगे तो आपके मान लो एक तो मन को इतनी संतुष्टि मिलेगी और यार इतना पुण्य होगा, क्या बताएं आपको भाई साहब। एक हमने तो गाइज इनको बढ़िया गुड़ चरा दिया अभी, और अभी यहाँ पर सीधे डायरेक्ट चलते हैं किरमारा। चले भाई भोजी वाले लड़के, भोजी वाले लड़का तो पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार आए हो आप? हां तो पहली बार आए हैं भैया। हैं तो पहली बार आए हैं? कोई ना, आपको किरमारा शायद आप पहली बार जा रहे हो ना? हाँ जी पहली बार जा रहे हैं। आपको भाई चलो आज बढ़िया दर्शन करवाए देंगे सारे धाम। अभी तो साथ में आप जा रहे हो, घूमते हैं साथ में। और भाई मैंने कहा फिर मार के आ जाएंगे अपने। सब इधर मान लो अपने गाय का ना ट्रीटमेंट 24 घंटे चलता है भी है। गाय इसके बेचारी के मान लो आईज में प्रॉब्लम है लगातार भाई, मान लो 24 घंटे एरिया में कोई भी मोहित भाई इधर मान ले एरिया में मोहित कोई भी इधर मान ले गाय की दिक्कत हो जाए ना डायरेक्ट इनको फोन करते हैं 5 मिनट के अंदर भाई साहब। ठीक है भाई दादी, इस गाय में कोई दिक्कत है जानी एरिया में कितने भी 5 मिनट फोन करो, 5 मिनट में एम्बुलेंस आए खेंचो खेंच। गाइस अभी खराखेड़ी से निकल चुके हैं और भाई साहब बारिश हो चुके स्टार्ट, देख सकते हैं। और अपने भोजी वाले लड़के बैठे हैं, कैसा फील हो रहा है भाई बारिश में? बारिश में भैया आपको जैसा फील हो रहा है सही? अच्छा अच्छा, मतलब बढ़िया हो रहा है फील आपको भी। बारिश हो चुकी है गाइस स्टार्ट, अभी इधर से खराखेड़ी से अपने किरमारा 10-1 किलोमीटर है।
बोलो हर हर महादेव। तो अपने इस गाड़ी कर दी है यहाँ खड़ी, यार गंदी बहुत हो गई यार भाई, बहुत हो गई। चलो अभी गाइस चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हमने गाड़ी खातर माला और प्रसाद मिल चुके। किरमारा से 3 किलोमीटर आगे गाइस है गोरखपुर, हम आ चुके हैं यहाँ। और यहाँ भाई साहब अपने है, ये मैं बताता हूँ आपको, गाड़ी यहाँ पर इधर खड़ी कर दी है अपने। इधर है गाइस गोरखनाथ का मंदिर और अपने इधर है गाइस मंदिर। और एक बार आपको ब्लैक गाड़ी है, ब्लैक ही आपने थोड़ी देर पहले देखी, मैंने टी शर्ट पहन रखी थी और गाइस ब्लैक ही गॉगल्स है। चेक करिए कैसे अच्छी लग रही है बताना यार कमेंट बॉक्स में। अभी शीशे नॉर्मल है ना तो धूप बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो गाइस अपने गूगल से देख सकते हैं कैसे आपके भाई के ठीक लग रही है क्या बताना कमेंट बॉक्स में। यार यार भाई बहुत ज्यादा यार बारिश आ गई थी, इस वजह से बहुत ज्यादा गंदी होगी यार, चेक कर सकते हैं देख सकते हैं यार भाई बहुत ज्यादा गंदी होगी। ब्लैक कलर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है भाई साहब, पर हम पक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको धोएंगे आज ही, देख सकते बहुत गंदी होगी। इधर है ना गाइस ये है कुआ, कुआ नहीं इसको मान लो कुई कहते हैं ये ऐसे नॉर्मल। सर मैं कोई छोरा जिद कर ली, अच्छा तो बहुत छोरा बोले हूं तो थक्यो थक्यो नहीं जिंदा बा एक मैं बाल्टी में कोरी राख खाऊं लागे। अच्छा बाल्टी में गए कोरी राख पानी कट गयो होगलो। हां कोरी राख जी बना दौड़ बो बोले भाई माफी मांगे हूं बड़ा हूं कौन से बट्टी को नहीं बट्टी को नहीं। अच्छा अच्छा बाल्टी कटे गए अभी आप बराबर नावा नहीं। हां हां इतर बो बोले भाई मेरा तो लिखड़ा को नहीं बाल्टी। अच्छा अच्छा ना भाई अभी कोई आवे नहीं भाई। पानी के नाम ले खत्म हो या कभी खत्म को नहीं हुआ? नीचू पताल मुआ बोकर ऊपर तक। हे शिव जी भगवान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखो गाइस आ चीज देख रहे, बहुत ज्यादा दिल खुश हुआ है हमने। चंबो जी भगवान को मंदिर है गोरखपुर में, और गोरखपुर है जी वैसे हमने जाटंग और हमने क्या नाम लिया शिवाचर आकाष्ट हिंगा में ज्यादा मान लो हमने जाट जाटंग काम खिलाया जो गोरखपुर हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान को मंदिर आ एक बहुत बड़ी बात है गाइस हमने खातर। यार बहुत ज्यादा दिल खुश हुआ, मैं तो हिंगा में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूँ इतना कोई धर्मवादी ना की और इतना मंदिर बना रखे हर एक भगवान का टोटल मंदिर गाइस। हिस्ट्री दादी बता देंगे के हिस्ट्री है बताइयो। ओ अभी अपन सदा ही गए अभी गोरखपुर वालों के खागड़ है तुम तो गोरखपुर को खागड़ अंदर मैं बन दो। अच्छा अच्छा तो बिंग मैं अभी इत बापड़ा के फोटो बना दियो। अच्छा बस मैं बाहर रहन दो कितने बार कौन जान दो बाहर कौन गयो बाहर कितने कौन गयो मैं ही रहन दो कमरो इति रहन दो। अच्छा सिर्फ इति रहन दो इति रहन दो जिंदा इति गो पूरो शरीर है बच्चा इति कर अरे इति गो शिवलिंग बना दियो थागे। हां हागे थागे बना दियो थागे शिवलिंग बना दियो भाई। ओ बढ़ रे भाई सब मैं मोई तो पजल ओहो लागी कड़ में छोरो पड़ियो मोहित पता दिया यार ओ हर हर महादेव बोलो ओ बिलिये शिव शंकर की जय हर हर महादेव। मंदिर से आ चुके हैं गाइस फाइनली घर, और अभी जो अपना मेन काम था अपने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी चलते हैं उस पे। चलिए एक बार तो हम पर रख लेते हैं गाड़ी में अपने मिठाइयां, और अभी हम पर चलते हैं गाइस। गाइस मोड़ो को दिखाने आए थे गाड़ी, देख सकते कितना क्यूटी है, कैसी लगी भाई तेरी गाड़ी? ओए इसको गाइस बहुत अच्छी लगी गाड़ी, घुमाया इसको गाड़ी में। हाँ पहले ये मेरा दोस्त नहीं था, फिर अभी दोस्त बन चुका है फाइनली। हाँ वो देखना गाइस रुस गया तू अपनी नई नवेली स्कॉर्पियो क्लासिक S11 को फर्स्ट टाइम आदमपुर के अंदर ले आए हैं फर्स्ट टाइम गाइज। कैलाश स्वीट्स पे आ गए थे गाइज आदमपुर के सबसे मान लो देसी घी में बनाने वाली दुकान है ये, तो अपने मान लो मिठाइयों में थोड़ी कमी रह गई थी गाइज, अपने मान लो सर्कल थोड़ा बड़ा है पापा जी और मेरा और मिठाइयाँ थोड़ी कम रह गई। हम तो मान लो लाए थे मान लो जितने हमारे बंदे थे उनसे 10-15 फालतू ही लाए थे, उससे मान लो फालतू ही लाए थे पर लग गए यार। तो भी अपने और लड्डू वगैरह और लेने आए हैं गाइज, खत्म हो गए थे अपने और पैकिंग करवाई हमने भी। अभी आप चलते हैं बांटने अपने रिश्तेदारों को अपने भाइयों को अपने बंधुओं को पापा जी के फ्रेंड्स को पापा जी के खास मित्रों को सभी को चलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस पापा ने मिठाई ले लिया, रख दो भैया रख दो, काफ़ी कम रह गई थी गाइस मिठाइयाँ, नीचे मत रखो भैया ऊपर रख दो यार।
नीचे मिठाइयों को नहीं यार, अब से नहीं कर सकते हैं। और ये आधे आधे किलो वाले कौन से हैं? इसमें आधे किलो और इसमें इसमें किलो और उसके अंदर गुलाब जामुन। ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत। फाइनली अपने ले लिया गए मिठाइयाँ, अभी अपने चलते हैं फैमिली मेम्बर्स के पास, अपने बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं यार, बहुत खुशी का मौका है गाइस ये। चले डेविड ब्रो, चलो भाई अपने आदमपुर ले एक बार गाड़ी को, बढ़िया दर्शन हो चुके हैं गाड़ी के। ब्लैक कलर ही भाई, ब्लैक ग्रे से अलग है जी, बिल्कुल ब्लैक तो ब्लैक ही होगा। हाँ जी, कुकर लागे थाने चलाने में रही तरह चलाने में तो बढ़िया है, दाखर चलाने में फिर यार रिपिया हड्डी तो दाखर रही है। जी जी, पर मन है नहीं एक चीज बिंग मैं टाइम बैठ गया कि मैं पूरा कि मैं तो अब इतना कितना दिन हो गया चलाने दिन? दो दिन है जी। अच्छा अच्छा, तो जो पिछले स्कॉर्पियो में नहीं तरह के फर्क है, आ तो गाड़ी थोड़ी ऊंची कौन लगी, मन काफी ऊंची अब तो इधर लगा नीचे बैठे अरे बिंग सा साइलेंट है। और अभी हम गांव में एंटर हो चुके हैं और मैं आपको एक मिनट को पीछे दिखा देता हूं, अपने मिठाइयां देख सकते हैं गाइस रह गई है इतनी। अंकल जी और उनके पास गए गाइस, उधर अपने को लग गया टाइम, उधर बढ़िया रुक के अंकल जी को अपने गाड़ी गुड़ी दिखा के बढ़िया गाइस अंकल जी से बढ़िया बातचीत करके फिर आए, तो मान लो टाइम लग गया उधर। अभी अपने मान लो बॉक्स रह गया थोड़ी बहुत मिठाई, वो सुबह हम गाइस वो भी अपने मिठाइयां देंगे जो रह गई है। और अभी अपने फिर रात हो गई थी गाइस, पापा जी का फोन आया, बोले बेटा रात हो गई अभी आ जाओ घर पे, क्यों गाइस माहौल सही नहीं है ना, मान लो थोड़ा सा यार रात को एक डर तो रहता है या पेरेंट्स को, बस वही बात है। तो बस अभी मान लो गांव में पहुंच चुके हैं, ये अपने इधर गुरुमेश भगवान हनुमान जी शिव जी मंदिर आ गए गाइस, यहां घर पे पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बताता हूं गाइस आज ने अपने को अपने अंकल जी ने अपने गाड़ी की खुशी में गाइज अपने को ये अपने बिस्किट्स भी गिफ्ट किए, देख सकते हैं यार कितने अच्छे गाइज प्रेम प्यार है अंकल जी के साथ, देख सकते हैं। उन्होंने पहले गाइज उनको पता था कि हम गाड़ी लाएंगे, उनको पता था, उन्होंने भाई जाते ही बढ़िया गाइज गिफ्ट दिए हमको, देखते हैं यार कोई मान लो दिल से खुश होता है गाइज वो देता है, ऐसे रेख दे भी नहीं सकता ऐसे। गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड में, बस घर पे आ गए था, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, मैंने सोचा ये भी तो बताते हैं अपने भाइयों को। तो बस गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, बस आपको अच्छी अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी स्कॉर्पियो। और आप मेरे को थोड़ा सा आइडिया बताना कमेंट बॉक्स में कि आप किस हिसाब की आपके लिए वीडियो लें, स्कॉर्पियो रिलेटेड किसके रिलेटेड बताना, वैसे अपना तो मूड गाइज अभी स्कॉर्पियो रिलेटेड ही है जो सब कुछ सारे कंटेंट लाने का, और बता देना आप ठीक है। तो बस गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। ओके गाइज बाय, टेक केयर।